क्या सुन रहा हूँ? आप 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण लेंगे? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस अंधकार भरे संसार में केवल आप ही प्रकाश का स्रोत हैं प्रभु। हमें इस अंधकार में फिर छोड़कर ना जाइए। आप इस संसार में ना होंगे, ये सोचकर ही मन भयभीत हो रहा है प्रभु। आजा छत्र, मृत्यु का भय केवल उसे ही ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया। ये शरीर तो नश्वर परंतु मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव तुम्हारे हृदय में प्रकाशमय रहे। प्रभु मुझे अपने साथ ले चलें। प्रभु जीवन भर मैंने कोई मूल्यवान कार्य न किया, महानिर्वाण तक आपके साथ आपकी सेवा करने का सौभाग्य दें प्रभु। आजा शत्रु, यदि तुम मेरे साथ चल पड़े तो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय मगध का क्या होगा? तुम राजा तो अपने राज धर्म से कैसे विमुख हो सकते हो? तुम पर कितने मनुष्यों का उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारा धर्म है। आजा शत्रु, अपने धर्म को ना छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि राजा धार्मिक हो राज्य करेगा तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बना, जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण मंत्रीगण गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु आपको फिर न देख सकूंगा, इस भय से मेरा दम घुट रहा है प्रभु। जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का रोना और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन का एक सत्य और समझो आजा शत्रु, यदि तुम किसी व्यक्ति विचार वस्तु से चिपकोगे तो उसे गवा दोगे। जिस क्षण तुमने सहायता के लिए हाथ फैलाना बंद किया उसी क्षण से तुम पूर्ण मुक्त हो जाओगे। प्रभु मुझे आपको छोड़ना होगा कि तू आप मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे।